नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने मात्र 2 रुपये के कारण रेलवे से लड़ाई लड़ी और बाद में उन्होंने रेल यात्रियों को 2.43 करोड़ रुपये सबको हर्जाने के रूप में दिलवाया, यानी कि रेलवे को जो है 2.43 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। पैसे की लेन देन को लेकर अगर कोई बड़ा अपडेट होता है तो इसके शुरुआती दिनों में गड़बड़ियाँ होना आम बात है। इन्हीं गड़बड़ियों का नतीजा यह हुआ कि रेलवे को एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी। अधिकांश लोग होते हैं जो 1 रुपया या फिर 2 रुपया किसी भी काउंटर पे, रेलवे ही हो या फिर बैंकिंग सेक्टर के किसी भी काउंटर हो, वहाँ पे छोड़ ही देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैसा लेकर ही वापस जाते हैं। इस पूरी खबर की पटकथा भी इसी तरह की है, जिसमें रेलवे की तरफ से यह गलती की गई जिसके एवज में रेलवे को पूरा का पूरा 2 करोड़ से भी ज़्यादा का रुपया जो है उन्हें चुकाना पड़ा। बता दें कि रेलवे का यह पूरा मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां इंजीनियर सुरजीत स्वामी के कारण 3 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिला। लोगों को जो मुनाफा मिला उनमें के पास कोई बड़ी रकम तो नहीं मिली, लेकिन रेलवे को ज़रूर करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि सुरजीत स्वामी ने 35 रुपये वापस लेने के लिए रेलवे से 5 साल तक की कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में उन्हें इस मामले में जीत मिली। इतना ही नहीं, इसी तरह से लाखों लोग थे जिन्हें भी रेलवे की तरफ से पैसे वापस होने पड़े। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अप्रैल 2017 से, जब सुरजीत स्वर्ण मंदिर मेल से यात्रा करने वाले थे। उनकी यात्रा कोटा से दिल्ली के बीच होनी थी, यानी कि इन दोनों स्टेशनों के बीच का टिकट उनके पास था। उस समय उस टिकट का किराया था 765 रुपया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया। जब उन्हें टिकट कैंसिल करवाया तो उनसे 100 रुपये कटौती के साथ 665 रुपये उन्हें वापस दिए गए। हालांकि बाद में सुरजीत ने बताया कि उन्हें 100 रुपये की जगह पर 65 रुपये काटने चाहिए थे। सुरजीत ने रेलवे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे 35 रुपये अतिरिक्त वसूले गए। उन्होंने कहा कि उनसे माल और सेवा कर के रूप में GST काटा गया, जबकि उन्होंने देश में GST लागू होने से पहले ही यह टिकट जो है कैंसिल करवाया था। यानी कि उसी साल 1 जुलाई से GST की शुरुआत हो रही थी, पूरे देश में लागू हो रहा था, और सुरजीत ने 1 जुलाई से पहले अपना टिकट कैंसिल करवाया। लेकिन उसके बाद भी रेलवे ने जो है उनसे 65 रुपये की जगह पे 100 रुपये टिकट कैंसिलेशन के रूप में उनसे टिकट का पैसा काटा गया, जबकि उनसे 65 रुपये ही काटा जाना था, जबकि उनसे 100 रुपये काटा गया। ऐसे में 35 रुपये जो है उनसे अलग से ले लिए गए। इसी पूरे मामले को लेकर जो है सुरजीत जो है और रेलवे के बीच में ठन गई, रेलवे की गलती यहां पकड़ी गई, जिसके बाद सुरजीत ने इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC को RTI के माध्यम से इस गलती के का जवाब मांगा। रेलवे की तरफ से जारी जवाब में यह कहा गया कि 2.98 लाख उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक टिकट पर 35 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और उनकी कुल रकम थी 2.43 करोड़ रुपये। इसी दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ GST परिषद और वित्त मंत्री के ट्विटर पर टैग करते हुए उन्होंने इस समस्या का साझा किया, जिसका असर यह हुआ कि 2.98 लाख यात्रियों को रेलवे ने 35-35 रुपये वापस देने की बात कह दी। लेकिन यह पूरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। रेलवे ने साल 2019 में सभी यात्रियों को पैसा लौटाने पर बात बन गई। इसी दौरान रेलवे ने यात्रियों को 33-33 रुपये लौटाए, जिसमें से रेलवे अभी भी इन लोगों से 2-2 रुपये की कटौती कर रही थी। सुरजीत ने फिर से रेलवे से लड़ाई शुरू कर दी और 2 रुपये के लिए 3 साल तक लड़ाई चलती रही। हाल ही में रेलवे ने 2 रुपये लौटाने का फैसला कर दिया है, यानी कि यात्रियों के खाते में अब 2-2 रुपये लौट जाएंगे। सुरजीत स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी उपयोगकर्ता को, यानी कि वो जो यात्री थे जिन्होंने टिकट कटवाया था और कैंसिल कर दिए थे, 35 रुपये वापस करने की मंजूरी दे दी गई है। अब लोगों के पैसे लौटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुरजीत ने यह भी बताया कि हमने इस पैसे को प्रधानमंत्री केयर फंड में दान कर दिया है। उन्होंने 535 रुपये प्रधानमंत्री केयर फंड में दान कर दिया है। तो एक तरह से कह लें कि कई बार ऐसी घटनाएं होती है, हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, जब 1-2 रुपये काउंटर पे नहीं होता है या फिर उधर से नहीं मिलता है तो हम अमूमन छोड़ के चले ही जाते हैं। लेकिन सुरजीत ने ऐसा नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि रेलवे को
करोड़ों रुपए जो है यात्रियों को देने पड़े। हालांकि यात्रियों के पास बहुत कम रकम गई, लेकिन रेलवे के लिए जो है यह एक बहुत बड़ी रकम थी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझसे इजाज़त, धन्यवाद।